नमस्कार अमरीजनो, आप देख रहे हैं स्वीटी पाठशाला। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो अपने क्लास 12th के बोर्ड के लिए और सीयूटी यूजी दोनों की प्रिपरेशन के लिए परेशान है, और साथ ही साथ दोनों को हैंडल करने से कहीं ना कहीं उनको स्ट्रेस फील हो रहा है, जिसके लिए कमिंग वीडियो बहुत ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। वो वीडियो बहुत जल्द आपको मिल जाएगा कि कैसे हमें अपने बोर्ड एग्जाम एज वेल एज सीयूटी यूजी को हैंडल करना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे ट्रिक्स हैं, ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग की प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी बजाय कि स्ट्रेस लेने के। ये अपडेट है आपके सीयूटी यूजी 2024 से रिलेटेड। 2024 सीयूटी यूजी का जो फॉर्म है वो आने वाला है। इससे पहले एक वीडियो में दिया था जिसमें मैं एनटीए के टोल फ्री नंबर पर बात करके आपको अपडेट किया था कि मिड ऑफ फरवरी तक फॉर्म आने की पूरी संभावनाएं जताई जा रही है, कहीं ना कहीं आ सकती है। अभी वो एक एक्सपेक्टेड गेस या एस्टिमेटेड डेट हमारे पास है जो कि ऑफिशियली है, और उसका भी सोर्स बताऊंगा क्या है, और कुछ बड़े बदलाव भी हुए हैं। जो चेंजेस है वो आपको बेहद जरूरी है जानना, क्योंकि सीयूटी जो है वो भी अपना बहुत नया नया एक्सपीरियंस कर रहा है, जिसकी वजह से बदलाव आने वाले सालों में भी होंगे, और इस साल तो और बड़े बड़े बदलाव होने वाले हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो मस्ट है कि आपके पूरे सब्सक्राइब चैनल में सब्सक्रिप्शन में एक BHU पाठशाला यानी सीयूटी पाठशाला जो आप देख रहे हो ये चैनल सब्सक्राइब जरूर होना चाहिए। सो रिक्वेस्ट टू ऑल माय डियर सब्सक्राइबर, डियर फ्रेंड, सब्सक्राइब दिस चैनल। इस वीडियो को अपने ग्रुप्स में शेयर करना और मेरी बात को ध्यान से सुनना, क्योंकि आने वाले समय में पूरे आपके काउंसलिंग एंड ऑफ द एडमिशन तक मैं साथ दूंगा और आपको हर पॉइंट बताऊंगा, जिससे कि आपका पूरा जो एक जर्नी है बहुत स्मूथली क्या हो जाए, कट जाए, गुजर जाए और बढ़िया से आप पढ़ाई कर पाओ। तो फाइनली ये अपडेट है। सबसे पहले तो ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते हैं। ये है गूगल, यहाँ पे आपको सीयूटी यूजी सर्च करना है 2024 के लिए, तो पोर्टल अवेलेबल नहीं है क्योंकि फॉर्म तो भी आया ही नहीं है। तो अभी तो फॉर्म नहीं आया है, यानी ये वीडियो जो आज शूट हो रहा है और आज की डेट है 12th फरवरी तक ये फॉर्म अभी नहीं आया है। अब मैं ट्विटर पे गया और ट्विटर पे जाके देखा तो यहाँ पे एमजी कुमार जी यानी जो यूजीसी के चेयरमैन है, उन्होंने एक आर्टिकल किसी न्यूज के थ्रू उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया था, तो वहां पे एक पब्लिश हुआ है जिसमें बहुत सारी चीजें मेंशन की गई है, जैसे कि फॉर्म 19 को आने की संभावना है। यहाँ पे बोल रहे हैं फरवरी 19 आने की संभावनाएं जताई जा रही है। 19 फरवरी 2024 तक सीयूटी यूजी 2024 का फॉर्म आ सकता है। फॉर्म आते ही मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा, लेकिन फॉर्म तुरंत नहीं फिलअप करना है, मैं अभी से वार्निंग दे रहा हूँ, क्योंकि फॉर्म में बहुत बदलाव नजर आएंगे तो उसको ध्यान देके ही फॉर्म भरना है। सेकेंड यहाँ पे ऑब्जर्वेशन में जो आपको बताना है वो है आपके डेट बता के दिए गए हैं, यानी May 15 to end of May तक आपके फॉर्म कंडक्ट करा दिए जाएंगे, यानी आपके पास समय बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, दिमाग में बैठा लो। उसके बाद बताया जा रहा है जो बेहद बड़ा बदलाव है उसको हम लोग स्मार्ट बोर्ड में समझते हैं, आपका एग्जाम इस बार ऑफलाइन होने जा रहा है। इसके पहले जो एग्जाम था वो बस ऑनलाइन, यानी आप ओनली CBT मोड में दे पाते थे। ठीक है, इस बार आप इसको OMR बेस्ड भी दे पाओगे। OMR बेस्ड क्या होता है, यानी अब आपको एक सेंटर पे बुलाया जाएगा, क्लास 12th की स्कूल का या कोई कॉलेज का सेंटर होगा जहां पे आप जाओगे और आपको ऑफलाइन हार्ड कॉपी में क्वेश्चन पेपर मिलेगा जिसमें ये OMR शीट पड़ी होगी, आप उसको निकालोगे और गोला रंग के अपना आंसर सबमिट करोगे। ये आपका एक्सपीरियंस जरूर होगा आपके पास। CBT मोड में क्या होता था कि बहुत से बच्चे जो है वो कहीं ना कहीं रूरल एरिया से आते थे या ऐसे एरिया से, या फिर लैक ऑफ गैजेट्स की वजह से उनको एक्सपीरियंस नहीं होता था हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, या किसी वर्चुअल स्पेस पे स्क्रीन पे कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, उन्हें प्रॉब्लम होती थी। तो कहीं ना कहीं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये सुविधा दी जा रही है कि अब हाइब्रिड मोड में आप अपने एग्जाम को दे पाओगे। लेकिन यहां पे कुछ टर्म एंड कंडीशन है। टर्म एंड कंडीशन ये बताया गया है कि जिस भी सब्जेक्ट्स में फॉर्म हाईएस्ट होंगे उसी के साथ ये खेल खेला जाएगा। तो मैं अभी से वार्न करना चाहूंगा UGC को, और जो हमारे चीफ हैं, जो हमारे MG कुमार जी हैं, या NTA के जो चीफ हैं, जो सेक्रेटरी हैं, सभी जो विद्वान हैं, उनको मैं ये अपील करना चाहूंगा कि ये हिट एंड ट्रायल मेथड की जिसमें फॉर्म ज्यादा आएंगे उसी को आप OMR कराओगे, ये मेरे हिसाब से सही नहीं होगा। आपको फॉर्म में भरे जाने वाले चॉइसेस के बेसिस बच्चों को सुविधा देनी चाहिए। अगर आप सच में इतना बढ़िया एग्जाम कंडक्ट कराना चाहते हो, तब अगर चाहते हो फेयर हो, स्मूथली हो जाए और बच्चों को
मदद हो, उसमें उन्हें बेनिफिट हो, तो बच्चे जो चॉइस कर रहे हैं अपने फॉर्म में कि वो एग्जाम को ऑफलाइन चाहते हैं कि एग्जाम को ऑनलाइन चाहते हैं, चॉइसेस के बेसिस पे आपको प्रोवाइड कराना चाहिए बच्चों को वो मेथड यो मोड कि वो एग्जाम दे पाए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस पर्टिकुलर चीज पे एक बार गवर्नमेंट जरूर ध्यान देगी, ठीक है। और यहाँ पे एक और बड़ा बदलाव है कि जो आप लोग अपने 10 डोमेन चूज कर पाते थे, एज अ कोर्स चूज कर पाते थे, सब्जेक्ट चूज करते थे, 10 तो चूज करना पड़ता था। अब आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको पता होना चाहिए, लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ऐसे करके आप चूज करते हो। जैसे कि आपको अगर लॉ भी करना है, आपको बीएससी भी करना है, आपको एग्रीकल्चर भी करना है, और टर्म एंड कंडीशन ये है कि लॉ के लिए आपको लीगल डोमेन चाहिए, तो आप उधर 3 अपना चूज कर लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बीएससी मैथ के लिए, और आप लॉ एज ए भी कैंडिडेट चूज कर रहे हो अपने आप को, तो आप लीगल भी चूज कर, 4 आपका खत्म हो गया। उसी में आप बायो भी चूज, सॉरी बीए भी चूज कर रहे हो, तो अब आपको जीटी भी चाहिए, तो आपका 5 खत्म हो गया। ऐसे करके बच्चा आप कॉमर्स में भी जाना चाहते हैं, तो वहां पे अब उसने 2 डोमेन और चूज कर लिया, अकाउंट एंड बुक्स कीपिंग या कोई भी इकोनॉमिक्स वगैरह, तो सॉरी ऐसे करके 10 चूज करने होते थे, लेकिन अब वो 6 हो जाएगा, यानी अब आपको 6 ही चूज करने की यहाँ पे सुविधा दी जाएगी, ठीक है। या 6 कोर्स या सब्जेक्ट, ये चीजें अभी फॉर्म आने के बाद क्लियर हो जाएंगी और स्मूथली। आपके एग्जाम जो है वो 3 शिफ्ट में होंगे भाई, आपका एग्जाम जो है वो पूरे शाम तक चलना है, सुबह 9 बजे से लेकर शाम तक एग्जाम चलेगा, तो जो भी कैंडिडेट है वो अभी से अवेयर रहे, ये बड़ा झोल वाला कॉन्सेप्ट है। इसमें बच्चों को एग्जाम सेंटर पे बड़ा मतलब दूर दूर दे देते हैं बच्चों को, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पे आप फोकस करना, ये शिफ्ट वाली बात को दिमाग में बैठाना है कि मस्ट अवेयर, अपने एडमिट कार्ड को पहले से देखो और उस पे जो डेट और टाइम है उस डेट टाइम पे आप पहुंचने की कोशिश करना, ठीक है। ये भी कुछ सुविधाएं दी जा रही है और भी उसमें बदलाव है जो कि मैं कमिंग वीडियो में डिस्कस करूंगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। ये जो है ना ये आप लोग पढ़ लेना, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, टेलीग्राम पे एक लिंक है, आप वहां से इसको पढ़ लो अच्छे से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई गई है और भी चीजें बताई गई है इसमें। अभी ये लोग का कहना है कि आपका जो पेपर है वो थोड़ा हार्ड हो जाता है, उस पे भी विचार कर रहे हैं कि पेपर को कैसे मॉडरेट बनाया जाए, कैसे आपके लिए वो ज्यादा हेल्पफुल हो जाए, आप जो पढ़े हो वही से क्वेश्चन आए और आप अच्छा प्रदर्शन कर सको। तो उम्मीद करता हूँ इस पे अच्छा काम हो। और हाँ, बीजू पाठशाला पे कोर्स रन कर रहा है, आप जो लोग भी इंटरेस्टेड है वो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में एक नंबर है, उस पर कॉल करिए, बकायदा आप इंक्वायरी करिए, लाइक काउंसलिंग कराइए, नीड काउंसलिंग टू एवरी स्टूडेंट, क्योंकि अभी आपको एक्सपीरियंस नहीं है कि आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे वो कौन कौन से ऐसे कोर्स है या कौन कौन से कोर्सेज के वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए डोमेन है, वो कैसे चूज करना है, ये तमाम बातें जो है वो जाननी चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो आप कॉन्टेक्ट नंबर पे व्हाट्सअप करिए और अपनी काउंसलिंग कराइए, देन ज्वाइन कोर्स बीएचयू पाठशाला, ठीक है। मुस्कुराते रहिए, बहुत सारी शुभकामनाएं, हर हर महादेव।